हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय कुमार। दोस्तों, मैं यह बार बार कहता हूं कि हमें अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, हम लोग छोटी छोटी गिफ्ट देकर अपने पेरेंट्स को खुश रख सकते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि हम लोग को अपने पेरेंट्स को कैसा गिफ्ट देना चाहिए। दोस्तों, मैं सोचता हूं कि हम लोग को अपने पेरेंट्स को वैसा गिफ्ट देना चाहिए जिससे हमारे पेरेंट्स हमारे गिफ्ट को प्रतिदिन इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसका क्या बेनिफिट है? दोस्तों, यदि मैं अपने पेरेंट्स को वह गिफ्ट देता हूं जो मेरे पेरेंट्स प्रतिदिन बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी मेरे पेरेंट्स मेरे गिफ्ट को इस्तेमाल करेंगे तो खुश होते हैं। दोस्तों, कभी कभी मेरे पेरेंट्स मेरे गिफ्ट की तारीफ अपने दोस्तों से करते हैं। दोस्तों, याद रखो, पेरेंट्स के खुशी में बच्चों की खुशी होती है। वैसे कोई भी पेरेंट्स अपने बेटा या बेटी से गिफ्ट का डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम लोग अपने पेरेंट्स को गिफ्ट जरूर दें। दोस्तों, मैं अपने पापा के लिए यह गिफ्ट खरीदा हूं। मैं इसे अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं यह अपने पापा के लिए खरीदा हूं। मैंने इसे साइज में इसलिए छोटा खरीदा जिससे मेरे पापा इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। दोस्तों, यदि इसमें गरम चाय, गरम जल या गरम दूध रख दिया जाए तो वह कुछ घंटों तक गरम रहता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि विंटर का सीजन अब आ चुका है और यह गिफ्ट मेरे पापा के लिए द बेस्ट है। दोस्तों, याद रखो, वह इंसान जो अपने पेरेंट्स को खुशी देता है, अपने पेरेंट्स का सेवा करता है, वह निश्चय ही महान होता है। इसलिए हमें अपने पेरेंट्स को खुशी जरूर देना चाहिए। दोस्तों, यदि एक रोटी हो और पेरेंट्स भी भूखे हो और बच्चे भी भूखे हो, तो निश्चय ही पेरेंट्स यह कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है। दोस्तों, इस संसार में प्रत्येक जीव को अपना बच्चा प्यारा होता है। दोस्तों, मैं वह दिन याद करता हूं जब मैं दौड़ते दौड़ते गिर जाता था, तो मेरे पेरेंट्स दौड़ कर आते थे कि कहीं मेरे बेटा को तो चोट तो नहीं लगा। दोस्तों, वैसे अधिकांश सबके साथ होता है, चोट हमें लगती है तो दर्द हमारे पेरेंट्स को होता है। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, हमें भी अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहिए। दोस्तों, इस संसार में हमारे पेरेंट्स का प्यार ट्रू लव होता है, वह सच्चा प्यार होता है। दोस्तों, आप भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स को खुश रखिए और अपने पेरेंट्स को गिफ्ट जरूर दीजिए। यदि आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।